हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कल हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया वो था एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। आज बेटा एक नया टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। आइए देखते हैं। देखिए बेटा, हम ये देखते हैं कि जो एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट किया होता है। किसी एटम में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होता है। अब बेटा अगर हमें क्या करना हो, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना हो, तो बेटा सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव करते, जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन हो, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो हमें बेटा उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि विच इज सफिशियंट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमें बेटा उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि जो क्या करे, जो एनर्जी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको खत्म कर सके या कम कर सके। तो कहने का मतलब बेटा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या चीज, तो आप डिजाइन डिफाइन कर सकते हैं बेटा, इट में भी डिफाइंड एज, इट में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी, हीट और एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ न्यूट्रल शेल ऑफ आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। देखिए थ्री वर्ड है बेटा, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। आइसोलेटेड मीन्स बेटा ये कोई बॉन्ड ना बनाया हो। अब ये बेटा अगर हम ये Cl2, ये दो Cl है Cl2, तो यहां से बेटा हम रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये एनर्जी देंगे ये क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो दोनों Cl क्या होंगे बेटा, सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे, ये क्या होंगे, क्लोरीन एटम अलग अलग है। अब बेटा इस क्लोरीन एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूं, ये क्या हो बेटा, आइसोलेटेड हुआ और क्या बेटा, न्यूट्रल गैसियस एटम है, विजिट क्लियर, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। किसी, अब देखिए पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, किसी न्यूट्रल गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखिए बेटा अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दैट इज नोन एज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहां पे समझो बेटा, मान लीजिए कि कोई भी एटम है बेटा, हम एल्यूमिनियम के केस ले लेते हैं, Al30 Al30, तो आप समझो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2A3 मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा हम बार बार इसे वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं,
जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे दैट इज नोन एज द फर्स्ट डायलेशन एंथैल्पी, फिर वैलेंस से दूसरा रिमूव करेंगे दैट इज नोन एज द सेकंड डायलेशन एंथैल्पी, थर्ड रिमूव करेंगे तो थर्ड डायलेशन एंथैल्पी। अब बेटा यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं कौन सी वैल्यू ज्यादा है। देखिए सबसे पहले बेटा यहाँ पे एटॉमिक नंबर 13 है, ये 13 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए हैं। अट्रैक्ट वैसे बेटा सबको किए हैं, लेकिन यहाँ पे हम किस पे डिस्कशन कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए हैं, तो जो न्यूक्लियस का 13 प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा ये तीनों के ऊपर है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए कितने बचेगा, 1s2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे क्या हुआ, वो ज्यादा है कि नहीं है। अब बेटा फिर ये कर दिए, ये एक बचा, फिर ये रिमूव कर दिए, फिर तीनों निकल गए। तो अब समझिए बेटा सबसे ज्यादा एनर्जी किसको रिमूव करने में लगेगा, जानते हो कि जो पहला निकाले तो इजिली निकल जाएगा, दूसरे के बेटा आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर तीसरा निकालोगे तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये बेटा जो हमारे पास थर्ड डायलेशन एंथैल्पी है वो दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू सेकंड डायलेशन एंथैल्पी, सेकंड डायलेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर, सॉरी थर्ड डायलेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन सेकंड डायलेशन एंथैल्पी, सेकंड डायलेशन एंथैल्पी इज द फर्स्ट ग्रेटर देन द फर्स्ट डायलेशन एंथैल्पी। बेटा ये कही जाती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए बेटा इसकी जो यूनिट है, यूनिट जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो बेटा यूनिट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा जो होता है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96.49 किलो जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखते हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये क्लियर हुआ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है बेटा, किसी न्यूट्रल गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज नोन एज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी चाहिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड के लिए चाहिए तो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज नोन एज द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड एंड सो ऑन, दीज आर नोन द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट बेटा सबसे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहला फैक्टर है बेटा साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1/ एटॉमिक रेडियस, 1/ रेडियस एटम की इंक्रीज करेगी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मींस क्यों, क्योंकि बेटा आप जानते हो कि किसी भी एटम में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है साइज पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डिस्टेंस ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से रिलेटेड जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ेगी, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। हम एक आसानी से निकाल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं बेटा कि एटॉमिक साइज पे डिपेंडेंट है। मीन्स अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो एनर्जी एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। ये साइड है एनर्जी एंथैल्पी एंड एनर्जी पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी, एनर्जी एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। नाउ सेकंड फैक्टर, IE inversely proportional to 1 upon atomic radius. Second factor है magnitude of nuclear charge. Magnitude of nuclear charge. देखिए बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज मीन्स बेटा न्यूक्लियस का कह सकते हो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ये इंक्रीज करती जाएगी। तो फोर्स ऑफ वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींचते जाएंगे, अंदर की तरफ खींचते जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए। थर्ड फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है बेटा समझ लीजिए, ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखिए बेटा हम क्या करते हैं, आप समझिए, ये बेटा ये प्रॉब्लम न्यूक्लियस क्या करता है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा हुआ होता है। अब बेटा अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती रहेगा ढेर सारे इनर शेल्स को, ये इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस क्या करेगा बेटा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे बेटा, इसको आउटर की तरफ पुल करेंगे, दिस इज हाँ पुश करेंगे, बाहर की तरफ पुश करेंगे। एज रिजल्ट बेटा इस पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ न्यूक्लियस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज दैट विल डिक्रीज, दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग। दरअसल स्क्रीनिंग है क्या बेटा, स्क्रीनिंग ये है कह सकते हो प्रोटेक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटेक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाहर के वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस के फोर्स से बचाया जा रहा है स्क्रीनिंग। तो बेटा हम करेंगे स्क्रीनिंग बढ़ेगी इंक्रीज करेगी, स्क्रीनिंग इंक्रीज करेगी तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। तो हम कह सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग अगर इंक्रीज करेगा तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इलेक्ट्रॉन इजली रिमूव किए जा सकते हैं। परफेक्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट,
इसी बेटा फिर से एक बार आपको इस टाइम समझा देता हूँ। पेनिट्रेशन इफेक्ट बेटा सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन होगा यस देन पी पी डी एंड ई एफ, मीन्स अगर यस से यस और पी में से ही लिखना है अगर रिमूव कर रहा हो तो ज्यादा इसी बेटा किससे रिमूव कर पाओगे पी में, यस में पेनिट्रेशन ज्यादा होगी, मोर द पेनिट्रेशन मोर द पेनिट्रेशन हायर विल बी आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, पेनिट्रेशन ज्यादा होगा मीन्स यस और पी में से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हो तो ज्यादा एनर्जी किससे चाहिए आपको यस ऑर्बिटल से। अब बेटा फैक्टर भी समझा लो, देखिए अगर बेटा स्क्रीनिंग अगर आप देखा जाए तो बेटा स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा किसकी होगी, स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा बेटा यस ऑर्बिटल की होती है क्योंकि डेंसिटी बेटा क्या है छोटी सी यस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल आप कंपेयर करिए कि क्या है बड़ा सा है, स्पेशली कंपेयर कर लेता हूँ यहाँ बेटा छोटे छोटे में अगर इलेक्ट्रॉन आए ना तो उनके बीच क्या होगा ज्यादा रिपल्सन होगा, इनके बीच बेटा रिपल्सन कम होगा। अगर स्क्रीनिंग का आर्डर पूछा जाए तो स्क्रीनिंग का आर्डर ये बेटा सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग यस में पी में डी में फिर एफ में, और पेनिट्रेशन बेटा कह रहा है कि यस में पेनिट्रेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ना पी, पी में इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डी, डी में पेनिट्रेशन ज्यादा एज कम्पेयर टू ना एफ, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल होते हैं बेटा ये न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं। अगर हम क्या करें ये ऑर्बिटल अगर यस पी डी एफ दिखाए तो सबसे नजदीक बेटा न्यूक्लियस पास यस होगा फिर पी होगा फिर डी होगा फिर एफ होगा, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी कहां ज्यादा देना पड़ेगी यस में जो सबसे पास में होगा फिर पी में फिर डी में एफ में बेटा सबसे कम, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा आसानी होती है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में ज्यादा आसानी होती है। नेक्स्ट फैक्टर है बेटा फिफ्थ पॉइंट फैक्टर अफेक्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये भी आप बता रहे हैं साइंस में अगर देखो बेटा अभी आप बताए ना जैसे बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन इस तरह से चल रहे हैं तो रेडियस इधर क्या करेगी बेटा डिक्रीज करेगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी बेटा ये डिक्रीज की, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी इंक्रीज करेगी ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब कह सकता हूं बेटा बेरिलियम बोरान में अगर कंपेयर करोगे किस इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए बोरान से, क्लियर है ना, क्योंकि जितना चलो साइज छोटी इनकी कंपेयर में आपको लग रहा है इनकी साइज छोटी फिर भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में अपना रोल प्ले करता है क्यों, क्योंकि अभी हम दिखा सकते हैं बेरिलियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे बेटा तो बेरिलियम का 1s2 2s2, बोरान का 1s2 2s2 2p4। अब जानते हो बेटा कि यहां पे पेनिट्रेशन क्या होगा ज्यादा होगा यस ऑर्बिटल ज्यादा नजदीक होगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी फिर दूर है इसे निकल जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी बेरिलियम की, ये एक्सेप्शन हो गया जबकि होनी किसकी चाहिए बोरान की। दूसरा रीजन बेटा कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, यहां पे 2s ऑर्बिटल कंप्लीटली भरा हुआ है तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए बेटा ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ये दो वे फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियडिक टेबल, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंथैल्पी पीरियड बेटा इंक्रीज करती है, क्यों इंक्रीज करती है एज यू मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस सो इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बेटा जैसे इधर होंगे क्या करेगा दूरी बढ़ती जाती है न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है इसलिए हम क्या करते हैं इसलिए रिमूव कर सकते हैं, हम कर सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी
इन अ पीरियड इंक्रीजेस व्हाइल इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम एन नेचुरल एंथैल्पी डिक्रीजेस डिक्रीजेस इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन कुछ एक्सेप्शन में ना एक्सेप्शन भी देख लें, इन्हें पीरियड भी इंक्रीज करनी चाहिए। हम देखते हुए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एज ए रूल किसकी ज्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन की, बट नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। वाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा 1s2 2s2 2p3, इसका 1s2 2s2 2p4। आप जानते हैं बेटा कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, इनके केस में क्या होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब जो स्टेबल होगा बेटा उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए नाइट्रोजन की जो एनर्जी एंथैल्पी है वह ज्यादा है देन द ऑक्सीजन। अभी ये भी बताया बेटा मेरे लिए कि एनर्जी एंथैल्पी किससे है, बोरान से। ऐसे बेटा कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में कंपेयर करके देखते हैं। और वैसे जनरली अगर एक्सेप्शन नहीं देते हुए तो पीरियड में क्या करेगा, एनर्जी एंथैल्पी इंक्रीज करेगा और ग्रुप में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। थैंक यू। नेक्स्ट इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे।